और चलिए अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां एक मां को उसकी गायब हुई बच्ची तो मिली, लेकिन किस हालत में। बच्ची की तलाश के लिए 100 से ज्यादा पुलिस टीम लगी हुई थी, फिर भी 2 दिनों तक बच्चे का पता नहीं चला। और जब बच्ची मिली तो आक्रोश का माहौल बन गया। मासूम के इंतजार में जो परिवार आस लगाए बैठा था, अब वो अपनी किस्मत पर रो रहा है, याद कर रहा है अपने कलेजे के टुकड़े को कि आखिर बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ जो पूरा इलाका सड़कों पर आ गया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पांच साल की मासूम जो दादी के कहने पर नीचे किताब लेने तो गई थी, बच्ची गई तो लेकिन वापस नहीं आई। कहां गई किसी को नहीं पता। दरवाजे पर टकटकी लगाए घरवाले बच्ची के आने की आस में इंतजार की घड़ियां ताक रहे थे। समय बीतता जा रहा था और समय के साथ बढ़ती जा रही थी दिल की धड़कन। करीब 36 घंटे बीत गए, घरवालों की आस टूटती जा रही थी। तभी एक खबर आई, वो खबर जिसने परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। माँ की उम्मीद तो टूटी हुई, पिता भी खुद को बेबस महसूस करने लगा। ये वारदात है भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की, जहां वाजपेयी नगर की मल्टी से 23 सितंबर की दोपहर 5 साल की मासूम गायब हो गई। पूरी वारदात ग्राफिक से समझिए। मासूम को उसकी माँ आंगनबाड़ी छोड़ने जाती है। कुछ देर बाद दादी बच्ची को वापस लेकर आती है। आने जाने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। घर आने के बाद दादी ने बच्ची को नीचे भेजा। बच्ची किताब लाने के लिए नीचे दूसरे फ्लैट में गई। काफी देर बाद भी बच्ची वापस नहीं आई। आसपास के लोगों का कहना है कि बच्ची के गायब होते वक्त नगर निगम की स्मोक मशीन ने धुआं किया था। बच्ची के गायब होने पर अब खोजबीन की कमान पुलिस को मिली। ड्रोन, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, पुलिस टीम, 100 से अधिक पुलिस टीम बच्ची की तलाश में लग गई। आसपास की मल्टी, 1000 से अधिक फ्लैट्स में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची को गायब हुए करीब 2 दिन बीत चुके थे। घर वालों की उम्मीद टूटती जा रही थी, लेकिन मन में आस थी कि बच्ची मिल जाएगी। 26 सितंबर दिन गुरुवार, बच्ची मिल गई, लेकिन मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसी मल्टी के एक बंद पड़े फ्लैट में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया, वाटर स्टोरेज टैंक को जब्त किया और जांच शुरू कर दी है। हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अब ये तस्वीर देखिए। एक माँ के दर्द की इंतहा देखिए, बच्ची को खोने का दर्द देखिए। ये तस्वीरें रूह कपा देंगी। बच्ची का शव मिलने के बाद आक्रोश का माहौल है, लोग नाराज हैं। विरोध जताने के लिए थाने का घेराव भी किया गया। बच्ची की मौत का दुख इतना है कि लोग आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार दोपहर से राजधानी भोपाल के वाजपेयी नगर में 5 साल की मासूम अपनी ही मल्टी में से गायब हो गई थी। उसके बाद 2 दिनों से लगातार पुलिस यहां वहां तलाश कर रही थी, लेकिन आज 5 साल की मासूम बच्ची का उसी मल्टी में पानी की टंकी में शव मिला। और उसके बाद से राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखेंगे, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या क्या मांगे हैं, कहां आप जा रहे हैं? हम थाने जा रहे हैं, हमें फांसी चाहिए, हमारे हवाले करो, हम खुद फांसी देंगे। पुलिस कानून कुछ नहीं करती है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कोई कानून नहीं है। कानून होता तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता, कानून होता तो इतना बड़ा अपराध। घर के सामने बच्ची थी, पुलिस क्या कर रही थी? जब सबके घर की तलाशी ली, उस घर की तलाशी क्यों नहीं ली? ताला क्यों नहीं तोड़ा? काफी आक्रोश नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में राजधानी भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहां पर कर रहे हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कलंक तो लगाया ही है, साथ ही बेटियों की सुरक्षा को कटघरे में
खड़ा कर दिया है। सवाल कई हैं, क्या बच्ची की साजिशन हत्या की गई? जब पुलिस ने घरों की तलाशी ली तो बच्ची क्यों नहीं मिली? डॉग स्क्वाड को कोई सबूत क्यों नहीं मिले? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस वारदात के पीछे के चेहरे को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।